लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। कानपुर देहात के कस्बा स्थित रसूलाबाद में धर्मगढ़ शिव मंदिर पर शिवरात्रि को भक्तों के द्वारा जलाभिषेक के साथ हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो गया और किए गए धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। आपको बताते चले कि कस्बा रसूलाबाद के मध्य स्थित एक विशाल खेड़ा है जिसको सभी अंग्रेजों के द्वारा राजा दरियाव चंद्र का किला कहा जाता है उसको ध्वस्त कर दिया था। राजा दरियाव चंद्र का किला कहा जाने वाला यह गढ़ जिसमें एक धर्मगिरी नाम के संत रहा करते थे जो शिव आराधना में लीन होकर तपस्या किया करते थे। ये काल कालांतर के बीच जाने के बाद यहाँ पर किला खंडहर के रूप में परिवर्तन हो गया था, लेकिन संत की त्याग तपस्या के चलते आज विश्व विख्यात अपना यह स्थान एक सिद्धपीठ के रूप में जाने लगा है। आपको बताते चले कि यहाँ पर प्रत्येक महारुद्र अभिषेक के साथ हर मंगलवार को सुंदर पाठ का कार्यक्रम किया जाता है। मान्यता ये यहाँ तक कि ये भी है कि इस शिव मंदिर में जगत गुरु शंकराचार्य के साथ कई मठों के शंकराचार्य आ चुके हैं और अश्वनी मास के यहाँ एक विशाल भी मद्द भागवत कथा का आयोजन किया गया था। मान्यता ये तक की है कि इस मंदिर में कभी भी कोई भी झूठ नहीं बोल सकता और जिसने बोला है उसको बाबा दंड भी देते हैं। वहीं श्रावण मास में बिठूर से मंदिर तक पैदल जल लेकर लाखों की संख्या में भक्तगण अपनी मनोकामना के साथ जल चढ़ाएंगे जिनकी भोलेनाथ मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी क्रम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रत्येक वर्ष की भांति दिव्य स्वरूप को देने के लिए रात्रि दिन यहां के सत्संग कमेटी के सदस्यों के द्वारा मेहनत का स्वरूप दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर कई थानों की फोर्स व्यवस्था रहती है जिसमें किसी की भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। कल महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में 4 बजे से भक्तों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए अवधेश मिश्रा की। घंटा बजे हमने घंटा बजे के लिए स्टॉप कर दो। चलो तुम 11 घंटे इंतजार बजाओ फिर हम चला।